बलरामपुर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में जनपद बलरामपुर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर नम्रता श्रीवास्तव के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी उतरौला उदयराज सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्राप्त निर्देश का पालन करते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उतरौला संजय कुमार दुबे द्वारा मई टीम के साथ एटीएम बदलकर पैसे निकाल लेने वाले गैंग का खुलासा कर दिया गया। अनावरण उक्त गैंग के दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी दिनांक 10/6/2023 को समय 2:30 बजे मुखबिर की सूचना पर आसाम रोड उतरौला के हिताची एटीएम के पास की गई थी। एटीएम में पैसा निकालते समय भोले भाले लोगों का मदद करने की नाम पर एटीएम पिन जान लेते हैं और उसका एटीएम कार्ड बदल देते हैं। बदले में मिले एटीएम कार्ड से एटीएम मशीन और जनसेवा केंद्र से पैसा निकालते हैं तथा एटीएम कार्ड स्वैप कर खरीदारी करते हैं जब तक कि पैसा खत्म ना हो जाए या कार्ड ब्लॉक ना हो जाए। ये कोतवाली उतरौला थाना अध्यक्ष व उनकी टीम के द्वारा एक बहुत अच्छा अंतर जनपदीय गैंग का वो किया है, खुलासा किया है, जिसमें इस गैंग में 4 सदस्य हैं और इनके द्वारा इनका बेसिक मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये एटीएम में जाकर और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जिनको एटीएम कार्ड इस्तेमाल करने नहीं आता है और उसी दौरान ये इनको सिखाने के दौरान उनका पिन नंबर जान लेते हैं और एटीएम स्वैप कर लेते हैं। उसके बाद इस एटीएम का उपयोग ये अलग से रुपये निकालने में या शॉपिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की 4 घटनाओं का अनावरण इसके टीम के द्वारा किया गया है, जिसमें उतरौला, पछेड़वा, कोतवाली नगर और सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज का एक मुकदमा है जिसका अनावरण हुआ है। इस पूरे उसमें 4 लोगों के नाम आए हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति जौनपुर के हैं, एक सिद्धार्थ नगर का है और एक भदोही जनपद भदोही का है। 2 लोग जौनपुर के ये अरेस्ट हो गए हैं, शेष 2 लोगों की गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इनके कब्जे से जो शॉपिंग इन्होंने की है और जो सामान वगैरह खरीदा था इन्होंने, वो सारा चीज़ बरामद हुआ है। साथ ही साथ कुछ एटीएम कार्ड और मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और इस प्रकार से एक अंतर जनपदीय गैंग का हम लोगों ने अनावरण किया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।